प्यारे बच्चों आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे रोटेशन मोशन का महत्वपूर्ण आर्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जयरेशन क्या होते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही रोल रखता है जो लीनियर मोशन में मास रखता है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास इन लीनियर मोशन आप यही कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इन रोटेशनल मोशन हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है देखिए सपोज कीजिए ये कोई एक बॉडी है और इस बॉडी में बहुत पार्टिकल से पार्टिकल्स से मिलकर के ये बॉडी बनी है रोटेशन और यहां पर ये देखिए ये एक पार्टिकल है इस बॉडी में जिसका मास एम है और इस पार्टिकल की ये डिस्टेंस है आर वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ही ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास एम टू है और ये उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से और ये और भी पार्टिकल्स हैं और ये एनथ पार्टिकल है ऐसे इसमें कुल एन पार्टिकल्स हैं और ये उनकी रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसीज है रोटेशन और ये बॉडी जो है इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है कि लेट एम वन एम टू एम थ्री आर द एंड एम एन आर दास ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल थर्ड एंड एन एथ आर दास ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड एनथ पार्टिकल्स रेस्पेक्टिवली और ये R1, R2, R3 क्या है R1, R2, R3 थ्री एंड आर एन आर देयर रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसिस एक्सिस ऑफ रोटेशन प्यारे बच्चों एक फाउंडेशन आपको तैयार हो गई यहां से एक जर्नल जो डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो आ जाएगी यानी कि आप यह कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आई एंड इट इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वेर प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर प्लस एंड सोन एम एन आर एन स्क्वेयर अब इसको अगर वर्ड्स में दे दें अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिर आप इसी चीज को वर्ड्स में करके और उसकी स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या कहेंगे आप ये देखिए आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इसी की बात कर रहा हूं Moment of inertia of the body of body about an axis of rotation about axis of rotation is equal to is equal to the sum of Sum of products products of masses of each particle and square of their respective. Perpendicular distances from axis of rotation. It is denoted by I. Moment of inertia is the inertia of this body in rotational motion. You know, this equation one can be written here i is equal to, अगर आप इसको पूरा ना लिखते हैं तो इसे हम hum फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ki i varies from 1 to n m i r i square इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं यहीं से जिस तरह से हम लोग जानते हैं मास इज द स्केलर क्वांटिटी इन जस्ट लाइक टू दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ आल्सो स्केलर क्वांटिटी यानी आप यही तो कहेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी एक और पॉइंट यहीं से आप ऐसा यूनिट या यूनिट्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं तो चलिए देखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज किलोग्राम क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम और डिस्टेंस मीटर स्केर किलोग्राम मीटर स्केर आप इसको कर सकते हैं और इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो एम वन तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है एक महत्वपूर्ण टर्म इसमें और ऐड होती है जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ जयरेशन हम उसको भी देखते हैं और इससे पहले आप इनको अपने अच्छी तरीके से समझते हुए नोट्स बनाइए इसको लिखिए और पूरा सिलेबस जो है आपका हम इस लेक्चर्स के माध्यम से जो सीरीज हमने शुरू की उसमें हम शुरू करेंगे इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रम ये देखिए कि सपोज कीजिए ये एक्सीज ऑफ रोटेशन है और ये बॉडी इसके सराउंडिंग्स में घूम रही है दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सीज ऑफ रोटेशन प्यारे बच्चों पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा कि किसी बॉडी के अंदर या बाहर एक ऐसा पॉइंट माना जाता है जहां पर उस पूरी बॉडी का मास ये सपोज किया जाता है कि वहां वो कॉन्सेंट्रेट है वहां पर वो एक्ट कर रहा है और इसे हम कहते हैं सेंट्र ऑफ मास ऑफ मास कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसे ही कहा जाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन यानी कि हम रेडियस ऑफ जायरेशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन आप उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि रेडियस ऑफ जाइरेशन Is the perpendicular distance is perpendicular distance from a point in a body where whole of mass. of body is assumed to be concentrated और एक और खास बात यह है कि मान लो इस बॉडी का मास एम है और रेडियस ऑफ जाइरेशन के है तो इस रेडियस ऑफ जयरेशन के स्क्वायर को अगर हम पूरी बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यानी स्केयर ऑफ स्केयर ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन व्हेन मल्टीप्लाइड टू the mass of body gives moment of inertia of body about that axis of rotation it is denoted by k or you know that it is the distance दैट इज वाई इट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर एंड एस आई यूनिट इज मीटर अभी मैंने बताया कि अगर रेडिएशन ऑफ जयरेशन के स्क्यर को मास से मल्टीप्लाई कर दें तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ एनर्जी आ जाता है यानी कि जो मैं बात कहना जा रहा हूं आई इज इक्वल टू एम के स्वेयर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हमने डिफरेंट पार्टिकल्स को लेकर के और इस इक्वेशन के माध्यम से दिया था इस तरह से क्योंकि दोनों इक्वेशन वन और टू इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रही हैं डिफरेंट फॉर्म्स में लेकिन रिजल्ट सेम होना चाहिए तो दोनों का जो लेफ्ट साइड है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है तो क्यों ना हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी राइट ये देखिए इन दो एम वन आर वन स्केयर प्लस एम टू आर टू स्केर प्लस एम थ्री आर थ्री एन आर एन स्केर, स्केर। यारे बच्चों हमने इस बॉडी में डिफरेंट पार्टिकल्स लिए थे उनका मास एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन था अब थोड़ी देर के लिए अगर हम ये सपोज कर लें कि इन सभी पार्टिकल्स का मास इक्वल है थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए देखिए इफ एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम थ्री एंड सोन और सभी पार्टिकल्स की मास को हम एम ले लें कितने पार्टिकल्स हैं एन तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स एम के स्वयर इज इक्वल टू हम एम को मन ले लेंगे क्योंकि ये भी एम है ये भी ये सारे एम है तो हम एम को मन ले लेंगे और लिखेंगे आर वन स्क्र प्लस आर टू स्क्र प्लस आर थ्री स्क्यर एंड सोन और यहां पर हम लिख देंगे आर एन स्केयर एक काम और कर रहे हैं हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं रेडियस ऑफ जयरेशन की एक और डेफिनेशन देने के लिए तो चलिए एन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और एन से ही डिवाइड कर देते हैं एन क्या है यहां टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस बॉडी और प्रत्येक पार्टिकल का मास कितना है एम है एक पार्टिकल का मास M है तो एन पार्टिकल्स का मास कितना हो जाएगा एम इन टू एन और वो तो पूरी बॉडी का ही मास हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू एम एम इज द मास ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी क्योंकि सारे पार्टिकल जिससे बॉडी बनी है उन सभी पार्टिकल्स का मास मिलकर के क्या बनाता है पूरी बॉडी का मास इज़ दी मास ऑफ बॉडी ये देखिए अब आप देखिए इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं ये जो एम एन आप दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल एम और कैपिटल एम से कैपिटल एम जो कंप्लीट बॉडी का मास है उसको हमने यहां कैंसिल कर दिया है अब हमारे पास देखिए क्या आ गया है के स्क्वेयर इज इक्वल टू ये बच गया है ना आप लिखेंगे आर वन स्क्र प्लस आर टू स्केयर प्लस आर थ्री स्केयर प्लस सोन आर एन स्केर और हमने इसको एन से डिवाइड कर दिया है और अगर हम दोनों तरफ स्केर रूट ले लें तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा और प्यारे बच्चों यही तो है रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि यहां से आप डेफिनेशन दे सकते हैं क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन देखिए ये जो आर वन आर टू आर थ्री इन डिफरेंट पार्टिकल्स की एक्सीज रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी उनको हमने शिकेर लिया स्क्वेयर्स का फिर मीन लिया और मीन का फिर रूट ले लिया और वो किसके बराबर आ गया रेडियस ऑफ जयरेशन के बराबर यानी कि हम यही तो कहेंगे कि रेडियस ऑफ जयरेशन इज दी रूट मेन स्केयर क्या कहेंगे इज दी रूट मीन स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसीज डिस्टेंसीज फ्रोम यदि रूट मीन स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसीज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स पार्टिकल्स फ्रोम एक्सीज ऑफ रोटेशन यह डेफिनेशन होगी और वो बात आप जानते ही है स्केयर ऑफ विच वेन मल्टीप्लाई टू दोटल मास ऑफ द बॉडी गिव्स द मोवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट दैट एक्सीज ऑफ रोटेशन तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमें पता चला रेडियो ऑफ जाइरेशन क्या होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज रही है अगर हमें सेंटर ऑफ मास पता हो तो हम पूरी उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी गिवन है उसके अबाउट हम निकाल सकते हैं तो प्यारे बच्चों आपको ये बेसिक कंसेप्ट था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडिएश ऑफ जायरेशन से संबंधित आपने समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम आपको बताने वाले हैं थर्म्स ऑफ पैरल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें शेयर कर दें और आइकन भी दबा दें और तैयार रहें नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक आपका धन्यवाद